उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पुलिस की थर्ड डिग्री ने एक मासूम युवक की जान ले ली। दरअसल मामला थाना बिलसंडा इलाके के गांव मानपुर से जुड़ा है, जहां मानपुर निवासी युवक सुरेंद्र पाल सिंह पिता सुबेक सिंह को बरेली जिले के थाना भूता की पुलिस पूछताछ के लिए घर से दबिश देकर उठा कर ले गई थी, जिसके बाद भूता पुलिस ने युवक को थर्ड डिग्री से टॉर्चर किया। हालांकि परिजन इस बीच भूता थाने युवक से मिलने पहुंचे, जो तो युवक ने अपने परिजनों से रो रो कर अपना दर्द व्यक्त किया था। मेरा नाम सुबेक सिंह है। अच्छा, ये मृत्यु हुई है, आपके कौन है? मेरा लड़का है। अच्छा, क्या मामला हुआ है? पूरा मामला इतना में है कि 16 तारीख को पुलिस वाले आए जी, जो सादे बाने में थे जी। उन्होंने मेरे लड़के के बारे में पूछा जी, तो मेरा लड़का भी पास आ गया जी। इतने में दो गाड़ियां पुलिस की और आ गई जी, जिन्होंने घेरा डालकर मेरे लड़के को पकड़ लिया जी। हमने कहा कि ये क्या मामला है, तो उन्होंने कही हम इसे थाने में ले जाएंगे, हर्बल कंपनी का मामला है, इससे पूछताछ करके अभी हम छोड़ जाएंगे। थाने में गए, लड़के को मिले तो लड़का बहुत रो रहा था। वो कह रहा था कि पुलिस ने हमें बहुत मारो है, और आंसू बहा रहा था और कह रहा था कि हमें बचा लो, ये पुलिस वाले हमें मार डालेंगे। क्या लगता है आपको कि पुलिस ने ही टॉर्चर किया है? हाँ, वो जो है इतना टॉर्चर किया है कि वो अच्छी तरह बोल भी नहीं सकता, पता नहीं क्या उसका आगे क्या होगा। परिजनों की माने तो पुलिस की गिरफ्त में आए युवक ने बताया कि कई घंटे तक पुलिस ने युवक के साथ बेरहमी से मारपीट और थर्ड डिग्री टॉर्चर किया था, जिसके बाद युवक की तबीयत काफी बिगड़ गई थी। वहीं पुलिस ने युवक की तबीयत बिगड़ता देखकर आनंद फानंद में युवक को बरेली जेल भेज दिया था। हमारे घर से पुलिस ने उठाया है 16 तारीख में, ये 16 को, और उसके बाद में टॉर्चर किया गया उसे। टॉर्चर करके फिर उसके ऊपर केस था भूता थाने का, कोई मर्डर का, उसमें उसे इन्वॉल्व किया गया। उसके बाद में जेल भेजा गया, और जेल उसमें अपना थाने में जो है उसे बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया। उसके बाद में जेल भेजने के बाद उसका मेरे हिसाब से कोई उचित उपचार नहीं उसे दिया गया, और उसकी मौत हो गई, और हमें देर से सूचना दी गई। सुरेंद्र जी, आपके कौन थे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरनजीत सिंह है, मैं उनका सुरेंद्र मेरा छोटा भाई था। जिसके बाद युवक ने बरेली जेल में ही अपना दम तोड़ दिया। वही बरेली जेल के जेलर इलाज के दौरान युवक की मौत का कारण बता रहे हैं। हालांकि मीडिया पर युवक की मौत की खबर आने के बाद बरेली एसएसपी शैलेंद्र पांडे ने पीएम रिपोर्ट आने के बाद पहले ही युवक की मौत का कारण स्पष्ट कर दिया। बरेली एसएसपी की माने तो युवक को हार्ट अटैक पड़ने से मौत हुई थी। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो पाए। हर कोई ये जानना चाहता है कि युवक की जेल में मौत हुई आखिर कैसे। सवाल तो पूरा है लेकिन जवाब अधूरा है। पीलीभीत से हरीश वर्मा की रिपोर्ट। देखिए, जिस तरह से पूरे प्रदेश में बिल्कुल गुंडाराज कायम है और पुलिस के दम पर ये गवर्नमेंट चल रही है, दिन दोपहर लोगों के कई फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं और पुलिस की कस्टडी में मौतें हो रही, अभी जिस तरह से कई सारी घटनाएं हुई हैं, और ये हमारे इस क्षेत्र पीलीभीत की घटना है, जो मानपुर के हमारे सुरेंद्र पाल सिंह, इनको पुलिस ने उठाया और ज़बरदस्ती किसी केस में इन्हें टॉर्चर करके उसे इन्वॉल्व कर दिया और उसे इतना मारा कि पुलिस की कस्टडी में उसकी मृत्यु हो गई। तो इसमें निश्चित तौर पे ये पुलिस की जो बर्बरता है और अधिकारियों की जो लापरवाही है, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात निश्चित है कि उसकी मृत्यु जो है पुलिस के टॉर्चर से हुई है, और घर वालों को सूचना बहुत देर में दी गई, कई घंटे बाद सूचना दी गई। बाकी पीएम रिपोर्ट अभी इन लोगों को, परिवार वालों को नहीं मिल पाई है, उसके अनुसार ये लोग देखते हैं, और हम तो यही मांग करेंगे कि उच्च स्तरीय जांच हो और इसमें जो भी दोषी है पुलिस और जो भी अधिकारी दोषी है उन सब पे कार्रवाई हो और परिवार की मदद कराई जाए ज्यादा से ज्यादा।
सोनभद्र के अनपरा तापीय परियोजना के 21 सी लैंको के सहायक महाप्रबंधक की कोयले के रैक की पटरी के किनारे दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद गंभीर रूप से घायल सहायक महाप्रबंधक बीडी दुबे को गंभीर हालत में एनटीपीसी शक्तिनगर के संजीवनी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पुलिस का कहना है कि सहायक मुख्य महाप्रबंधक के परिजनों द्वारा तहरीर मिली है, जिसके बाद पुलिस पंचनामा भर आगे की कार्रवाई कर रही है। इस मामले में परियोजना का कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं। आए दिन सेफ्टी की लापरवाही से परियोजना के अंदर होती है मौत, जबकि परियोजना के मजदूर यूनियन के नेताओं का कहना है कि यह पूरा मामला सेफ्टी का है, जिसमें लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। परियोजना इसे छुपाने के लिए बताया जा रहा है कि गिरने से चोट लगी है, और यह परियोजना की लापरवाही है कि सेफ्टी के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। इससे पूर्व भी सेफ्टी की लापरवाही से एक मजदूर की जान गई थी। वही इस मामले में पुलिस का कहना है कि परिजनों द्वारा तहरीर मिली है कि अनपरा के लैंको पावर प्लांट के सहायक महाप्रबंधक की कोयला रैक के पास गिरने से पेट में चोट आई और इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर पंचनामा भर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। सोनभद्र से मनोज सोनी की रिपोर्ट। मजदूर यूनियन से है, ये लैंको में घटना घटी है, मुझे अभी पता चला। ये तो सेफ्टी का मामला है, अगर लैंको के अधिकारी यहाँ काम कर रहे हैं, जिस साइड पे जिसे इनको चोट लगी है अभी देखने में आया, पूरा ये दबा हुआ है, तो ये तो सेफ्टी का मामला है। अगर ये अधिकारी है, सेफ्टी का मामला अगर ये है, तो मजदूरों के साथ क्या हालात है? तो सेफ्टी का ये मामला है, लैंको जिम्मेदार है, चाहे जो कुछ भी हो, क्या है वो देखा जाएगा, लेकिन सेफ्टी का मामला है, सेफ्टी का उपयोग नहीं हो रहा है एकदम, सेफ्टी का ये मामला है और लैंको जिम्मेदार है पूरी की पूरी। ठीक है, उनकी उनके कर्मचारी हैं, अपना सब कुछ दें उनको, जो भी उनका बने उनके परिवार के लिए जो कुछ भी हो, लेकिन ये मामला सेफ्टी का है, सेफ्टी नहीं है उस आदमी के पास। नहीं, जो दिखाया जा रहा है कि कन्वे वहाँ रेलवे पटरी के समीप गिरने से चोट आई। अरे नहीं, कोई सवाल नहीं कि गिरने से चोट आई है भाई, जो सामने दिखने से अभी पोस्टमार्टम होगा पता चल जाएगा। एक तरफ से पूरा फट गया है, पूरा इस पर कोई चीज चपा है एकदम, ये कोई सवाल नहीं है कि पटरी पर गिर जाने से मौत हुई है, ऐसा नहीं है। ये हादसा हुआ है, चपे हैं कोई चीज़ से, रेलवे चढ़ी नहीं है, लेकिन कोई भाग होगा उसका चप्पे होंगे तब मौत। क्या ऐसा ही बताया जा रहा है कि इससे पूर्व भी दुर्घटना एक डेढ़ महीने पहले हुआ था, रातों रात जो है कि बनारस के लिए रेफर कर दिया गया था लेके? हाँ, एक मजदूर का घटा था जो कटर काट रहा था। अब हम लोग 10 मिनट के अंदर पहुंचे हैं, लेकिन तब तक लेके फर्स्ट एड भी यहाँ नहीं कराया गया है, और धड़ाक से लेके निकल गए बनारस, तो हम लोगों ने इसका लिखा पढ़ी किया। लघु सर्विस स्टेशन अनूप शहर डिस्ट्रिक्ट बुलंद शहर की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई लव पुरुष की जयंती। भदोही में ज्ञानपुर में स्थित काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में लव पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर गुरुवार को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया, जिसके तहत महाविद्यालय में अध्यापकों और छात्र छात्राओं ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने और सरदार पटेल के आदेशों पर चलने की शपथ ली। भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इसके जन्म के उपलक्ष्य में बच्चों के लिए आपने 10,000 रुपए भी दिए थे विभाग को, और उससे पुस्तकें आई थी, वो पुस्तकों की लाइब्रेरी बनी है और वो पुस्तकें बच्चों में वितरित हो रही हैं, और उनसे बच्चों को लाभ भी मिल रहा है। डॉक्टर किरण शर्मा जी हिंदी विभाग की अध्यक्ष है, आपका सहयोग महाविद्यालय के कार्यक्रमों में रहता है। कर्मा प्रोफेसर है आपके प्रोजेक्ट चलते रहते हैं महाविद्यालय में। डॉक्टर आलिया रिपर्जी हिंदी विभाग की विभाग अध्यक्ष, आपका स्वागत है। जमाना अब इतना खराब हो गया है कि भाइयों को भी अपनी बहन की रक्षा करना महंगा पड़ रहा है। अगर भाई किसी तरह से अपनी बहन की असमत को लूटने से बचाना चाहते हैं, तो दबंग लोग उस भाई को ही जान से मारने की कोशिश करते हैं। ताज़ा मामला फतेहपुर जिले की धर्मपुर गांव पोस्ट असवार तारापुर थाना मलवा का है, जहाँ के रहने वाले एक भाई की बहन जब अपने एक घर से जानवरों को चारा लगाकर वापस दूसरे घर की ओर जा रही थी, तो गांव के ही एक युवक ने उसे छेड़खानी की, जिसका विरोध उसके भाई ने किया और उसकी जानकारी उसके घर वालों को दी। घर वालों ने इस बात को लेकर वहां पर बहस की, और बहस के दौरान ही किसी व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी, जिसके चलते मौके पर पुलिस आ गई। दोनों पक्षों में सुलह समझौता करा दिया और साफ तौर पर कह दिया गया कि सुबह थाना आकर दोनों लोग आपस में बातचीत करके मामले को खत्म कर देंगे।
लेकिन अगले दिन ही जब भाई सुलह समझौते के लिए अपने गाड़ी से पुलिस के पास जा रहा था, रास्ते में युवक के घर वालों ने उसे रोक कर उसकी जमकर पिटाई कर दी और पिटाई भी ऐसी की कि उसको चलने तक नहीं छोड़ा। जो हमारी लड़की है ना, तो हमारी लड़की का आटा थी, भैंस का चारा लगाने गई थी, दूध दुहने लगी। इसके बाद हमारी लड़की घर का जब चली, दो जगह मकान बना था, तो हमारी लड़की जब यहाँ घर का आई है तो हमारी लड़के को वो लड़का हाथ पकड़ लिया रास्ता में, तो हमारी लड़की चिल्लाने लगी, भागने लगी। तो हमारा लड़का जब खाते थे तो हमारे लड़का टाठी छोड़ करके भागते थे। अच्छा, तो क्या शिकायत नहीं की उनके घर पर? शिकायत की थी सर, लेकिन उसके बाद शिकायत किया है उनके काका, जब वो लड़का था तो वो लड़का का काका इतने दाबने लगा तो वो अपने माँ बाप को फोन कर दिया, अपने माँ बाप फोन कर दिया तो उसको बाप आया है तो उसको लड़का का पकड़ लग गया, तो कहा चल मैं तो उसको अभी संभालूंगी। तो वो जब वो उसको घर में रख के और उसको माँ बाप आए थे घर, जब हमारे घर पे फिर आया लठी डंडा लड़के, तो हमारे लड़का से मुँह टोड़ी हो रही है, तो हमारे लड़का का बोल रहे हैं कि काका इतनी जो है तो काका मैं लड़की का मेडिकल करवाऊंगी। तो इसीलिए कि हमारे लड़का कह रहे हैं कि बात बात नहीं तो किस लिए काका इतनी मेडिकल करवाएगी। तो क्या आपके लड़के के साथ मारपीट की गई? हाँ, हमारे लड़का के साथ मारपीट किया। कितने लोग मारे हैं? चार लोग मारे हैं। पुलिस से मदद नहीं मिली आपको? नहीं मिली। क्या कहा पुलिस ने? क्या कहा? एप्लीकेशन दी गई, पुलिस आई है, पुलिस आई है, 100 नंबर डोर डायल किया है, सब पुलिस आई थी, तो पुलिस समझौता करके चला गए। तो वो कहा गई थी समझौता करके जब चले गए के बाद भी मारपीट की उन्होंने? तो वो चौकी बुला रहे हैं कि दोनों फरीक का चौकी आना, वहाँ समझौता दे देंगे। तो वो कहा गए जब सुबेर भया है तो मेरा लड़का चले चौकी जाने को तैयार होकर आया है, तो रास्ता में लाठी डंडा लेके बैठे थे, तो हमारे लड़का के मोटरसाइकिल में मारा है, तो हमारे लड़का गिर गया है, हमारा लड़का गिरे नहीं पा, हमारा लड़का उठा नहीं पाया, बस मारने लगा हमारे लड़का। लड़का कहाँ भर्ती है पुलिस? क्या नाम है लड़के का? मौजूद लोगों की बात माने तो उन्होंने बताया कि युवक को इतना मार दिया गया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई, एक पैर टूट गया और सर में भी गंभीर चोट आई है। प्राथमिकी उपचार हेतु उसे जिला अस्पताल भर्ती कराया, जिसकी शिकायत लेकर सारे ग्रामीण पुलिस अधीक्षक महोदय के पास अपनी शिकायत दर्ज कराने आए। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब इसकी शिकायत चौकी इंचार्ज से की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि पहले जाकर अपना इलाज कराओ, उसके बाद ही कोई बात सुनी जाएगी और किसी भी तरह की कोई भी लिखित कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस अधीक्षक के पास आए लोगों ने साफ तौर पर बताया कि युवक को मुन्ना सिंह पुत्र बाबू सिंह, छोटे सिंह पुत्र बाबू सिंह, शिव पूजन व सनी पुत्र छोटा सिंह व अन्य लोगों ने मिलकर बड़ी बेरहमी से पीटा और लगातार इन लोगों को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तो कोई बड़ी घटना घट सकती है। पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीण वासियों को आश्वस्त किया कि मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और त्वरित जांच कराकर दोषियों के साथ कड़ाई के साथ पेश आया जाएगा और मुकदमा भी दर्ज हो। फतेहपुर से आकाश तिवारी की रिपोर्ट। मामला सुनने में आ रहा है मारपीट का और उसमें लड़की की छेड़खानी का मामला, क्या मामला है सर? ये मामले की तहरीर पर मुकदमा कायम है, मैं यशो को निर्देशित कर दिया हूँ कि जाकर जो उसके इंजीनियर रिपोर्ट के आधार पर उसमें धाराओं वृद्धि कर गिरफ्तारी करें और अन्य भी जो तथ्यार है उस पर कार्रवाई करें, कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। सभी क्षेत्रवासियों जो भारतवासियों को दीपावली में भैया दो की शुभकामना, डॉक्टर मोहम्मद शमसुजमा। ये तस्वीर है रेवाड़ी अनाज मंडी की, जहां भंडारण के लिए गोदामों की कमी के चलते बाजरा बीच सड़क पर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। नहीं भाई साहब, उठान कम हो रहा है अनाज मंडी में, क्या दिक्कत तो आ रही है आपको? उठान तो कम है, उठान गाड़ियां नहीं थी, बीच में त्योहार की वजह से गाड़ियां नहीं मिली, अब चालू हुई, आज से अभी गाड़ी मिली है, अभी उठान चालू हो जाए। तो कब तक उम्मीद है कि सारा? देखो आज से कह रहे हैं स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड अभी ये पहली गाड़ी मिली आज दीपावली के बाद। हमने देखा कि बाजरा वगैरह ये रोड के ऊपर पड़ा हुआ है, जानवर खा रहे हैं, उससे नुकसान हो रहा है। तो जगह नहीं, नुकसान तो होगा ही, पर गिरे हुए माल में नुकसान तो होता ही, कोई भी चीज़ है। उठान कम होने से किसको नुकसान हो रहा है? आड़ती का नुकसान। क्या आड़ती का माल शॉर्ट होगा, आड़ती की घटती आएगी, माल घटेगा तो आड़ती को पूरा करना पड़ेगा, किसान तो तोड़ के। तो वही दूसरी ओर मंडी से बाजरे का उठान न होने के कारण आड़तियों को भारी परेशानी के साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। मंडी में फैली इन सभी अव्यवस्थाओं का ठीकरा अधिकारी एक दूसरे से सिर फोड़ रहे हैं। व्यवस्था सही है,
पर जो सरकारी परचेज बाजरे की हो रही है उसका उठान नहीं हो पा रहा, उससे आड़ती परेशान है। उठान ना होने की वजह से बाजार सूख रहा है, पशु खा रहे हैं, उसमें आड़तियों का ही नुकसान है। हमने देखा सड़कों के ऊपर सरसों रखी हुई है और बाजरा वहाँ पर रखा हुआ है, तो ये जो नुकसान हो रहा है ये किसका नुकसान होगा? नुकसान तो आड़तियों का हो रहा है। आड़ती हो रहा है, फार्मर तो अपना माल तोड़ के चला गया, अपना जे फार्म लेके चला गया, जो भी शॉर्टेज आएगी वो आड़ती ही आएगी। क्यों नहीं आया यहाँ पर उठान क्यों नहीं हो पा रहा है? उठान क्या बताए, तो फूड सप्लाई इनके पास खुद के गोदाम तो है नहीं, ये कह रहे हैं भाई आरो कट गया है और माल बाहर जाएगा, अब तक तो गा नहीं है, शुरू से ही लिफ्टिंग स्लो है, लिफ्टिंग की प्रॉब्लम आ रही है। मंडी प्रधान और मार्केट कमेटी सचिव ने भी माना कि किसान तो अपना बाजरा तुलवा कर चला गया, लेकिन मंडी से उसका उठान नहीं हो रहा, जो DFSE का काम है। इस संदर्भ में उन्हें कई बार अवगत करवाया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं, जहाँ तक लिफ्टिंग का इशू है, लिफ्टिंग आज गाड़ियाँ मंडी में पहुँच गई हैं, 10 जिलों का आरओ हमारा PDS का बाजरे का यहीं से इशू हो रहा है, तो आज गाड़ियाँ और भी आ रही हैं और ये जो लिफ्टिंग वाली जो प्रॉब्लम बता रहे हो आप ऐसी नहीं रहेगी, 3 दिन के अंदर अंदर स्पेस की प्रॉब्लम खत्म और छुट्टियों में भी हम कोशिश करेंगे इसको उठाने। जैसे स्पेस बहुत कम है क्या स्पेस, ये बाजरा ओपन में नहीं लगता, ये कवर्ड में लगता है और हमारे जिले में स्पेस की प्रॉब्लम रही है और आने वाले टाइम में कोशिश होगी गोडाउन और बने और ये स्पेस की प्रॉब्लम नहीं रहे, जिसका सीधा सीधा नुकसान आढ़तियों को हो रहा है। भंडारण के लिए इस मंडी में सरकारी गोदामों की कमी के कारण बाजरा और दूसरी फसलें सड़क पर ही रखनी पड़ती है, जिससे आवारा जानवर बर्बाद कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर DFSE ने भी कहा कि भंडारण की कमी के कारण फसलों को सड़कों पर रखना पड़ता है और जहां तक उठान की बात है तो उसके लिए RO कोड दिए गए हैं और आज ही उठान शुरू हो जाएगा। रेवाड़ी से राजकुमार की रिपोर्ट। बाजरे के उठान के बारे में पीछे हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री VS कुंडू जी ने भी इस बारे में सख्त हिदायत दी थी कि बाजरे का उठान अति शीघ्र हो। DFSE एजेंसी है, उनकी लिफ्टिंग है, उनका ही ट्रांसपोर्टेशन है और उनकी तरफ से ही देरी हो रही है। क्या लगता है कि क्या कारण रहे होंगे देरी के? देरी के तो वही बता पाएंगे DFSE साहब जो एजेंसी है कि क्या कारण है। मैंने तो अपने मौखिक रूप से कई बार उनको बता दिया कि लिफ्टिंग नहीं हो रही, मंडी में स्पेस नहीं है, सभी को बता दिया, तो इस बारे में तो वही बता पाएंगे कि क्या कारण है, किस वजह से। सर ये जो नुकसान हो रहा है ये किसका नुकसान होगा? सीधा सीधा उठान ना होने से तो नुकसान तो जो सूखा, अगर बाजरा सूखता है तो स्वाभाविक है कि ये तो आड़ती जो है उनका कम हो जाएगा बाजरा जो, क्योंकि सूख में उन्होंने तो पूरा करके देना पड़ेगा। किसान तो तोल कर चला गया, किसान तुलवा के चला गया, लेकिन जो 15-20 दिन से अगर बाजरा पड़ा है सूख जाता है तो आड़ती को ही नुकसान होगा, उसको ही पूरा करके देना होता है। प्रयागराज का बहुचर्चित पूर्व विधायक जवाहर यादव हत्याकांड मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने करवरिया बंधु को दोषी सिद्ध कर दिया और 4 नवम्बर को कोर्ट सजा का ऐलान करेगी। पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया, पूर्व भाजपा विधायक उदय भान करवरिया, पूर्व विधान परिषद सदस्य सूरज भान करवरिया व इनसे संबंधित व्यक्ति इस हत्याकांड में आरोपी थे, जिन पर कई सालों से मुकदमा चल रहा था। उत्तर प्रदेश में पहली बार AK-47 से जवाहर सिंह यादव की हत्या की गई थी, जिसमें ये तीनों आरोपी थे। बता दें 13 अगस्त 1996 को सिविल लाइन स्थित पैलेस सिनेमा के पास तत्कालीन विधायक जवाहर यादव उर्फ पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। हमले में जवाहर पंडित, उनके ड्राइवर गुलाब यादव और राहगीर कमल कुमार दीक्षित की मौत हुई थी। 2 लोगों को चोटें भी आई थी। प्रकरण में बसपा के पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया, भाजपा के पूर्व विधायक उदय भान करवरिया, पूर्व MLC सूरज भान करवरिया और रामचंद्र त्रिपाठी उर्फ कल्लू अभियुक्त बनाए गए। सभी फिलहाल नैनी जेल में बंद है। 23 साल बाद कोर्ट ने आज इस मामले में दोषियों को दोष सिद्ध किया। प्रयागराज से अग्रज यादव की रिपोर्ट। देखिए ये घटना 13/8/96 को 6:45 से 7 बजे शाम के बीच पैलेस सिनेमा स्थित इलाहाबाद की घटना है। इसमें पूर्व विधायक जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित, गुलाब यादव
और एक राहगीर कमल कुमार दीक्षित की हत्या हुई थी और इसमें दो चुटहिल हो गए थे, एक पंकज कुमार श्रीवास्तव और कल्लन यादव। इसमें अभियोजन ने 18 गवाह प्रस्तुत किए थे और 156 गवाह बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया था और 18/10/19 को निर्णय सुरक्षित कर लिया गया था और आज उनके द्वारा निर्णय उद्घोषित किया गया, जिसमें चारों अभियुक्तों को धारा 147, 342/149, 307/149 व 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट में दोषी किया गया। क्या है बदलाव के लक्ष्य? क्या गांवों को आधारभूत सुविधाएं मिलती हैं? क्या गांव में पीने का पर्याप्त पानी है? क्या गांव में चिकित्सा नालियां और सड़कें दुरुस्त हैं? इन सभी मुद्दों के साथ हम आ रहे हैं आपके द्वार आपके सरपंच के साथ सिर्फ जेके का बदलाव।